और अब खबर राजनांदगांव से, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस नेता ने मंच से बघेल पर जमकर भड़ास निकाली। कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ ने मंच से भूपेश बघेल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सुरेंद्र दाऊ का आरोप था कि 5 साल की कांग्रेस सरकार के दौरान कार्यकर्ताओं के एक भी काम नहीं हुए और न ही कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला। साथ ही कांग्रेस नेता ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर मेरी बात गलत लगे तो मुझे पार्टी से बाहर निकाल दो। आज मैं डंके के चोट पे यहाँ किठो, अगर 500 कार्यकर्ता उठ के कहते कि वो परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाप मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दू, कोई नहीं करी। हमन दुख तकलीफ और घर के अगर बहु बेटा के कोई ट्रांसफरम और कोई काम है और कोई तकलीफ है, कोई काम नहीं करे लाइन सिवाय प्रताड़ित करे के। और मैं मंच पे जब आया, आज एक चीज और देखने मिलीस, या नया नया फोटो देखने मिलीस, 5 साल पहले हमला नवा नवा फोटो देखने मिले, एक ढंग के फोटो देखने मिले, वो नेता कहाँ है? और अतेक बड़का नेता है, 5 झन जो डाके थे विधानसभा चुनाव जो जाग भेजे, वही बोलाओ आप लोग चुनाव किसने भेजते है, कार्यकर्ता का आप लोग जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं अगर बहुत दुखी मन से कहा तो आदरणीय, और अगर मोर बात कहीं गलत है तो मैं मन से क्षमा मांगते हुए जिला अध्यक्ष जी आपको, आप लोग और निष्कासन के अधिकार है, आप उन निष्कासित कर देना। तो कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता सैयद जफर ने आज बीजेपी ज्वाइनिंग की खबरें सामने आ रही हैं।